वेलकम बैक। अब हम लोग बात करने वाले हैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दूसरे पार्ट की, जैसे हम कहते हैं बडिंग। बडिंग में होता क्या है, ऑर्गेनिज्म के अंदर एक आउटग्रोथ पैदा होता है और ये आउटग्रोथ रिस्पॉन्सिबल होता है एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। बडिंग का जो तरीका है वो हमें दो पार्ट में समझना है। एक होती है एक्सोजीनस बडिंग, एक्सोजीनस, और एक होती है एंडोजीनस। एक को हम कहते हैं एक्सोजीनस बडिंग और एक को हम कहते हैं एंडोजीनस बडिंग। क्या अंतर होता है एक्सोजीनस एंडोजीनस में? अगर वो बड जो बन रहा है वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर है तो वो हो गया एक्सोजीनस बडिंग, लेकिन वही बड अगर बॉडी के अंदर बन रहा है तो वो हो जाएगा एंडोजीनस बडिंग। जो एक्सोजीनस होता है उसमें हम लोग को दो एग्जाम्पल पढ़ने होते हैं। पहला एग्जाम्पल है ईस्ट। इसमें होता क्या है, ईस्ट के ऊपर एक स्मॉल बर्ड निकलता है, ये बर्ड फेवरेबल कंडीशन पाके ये बर्ड बड़ा हो जाता है और समय आने पर मैच्योरिटी पे ये डिटैच होके दो बर्ड में, दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो है हाइड्रा में। हाइड्रा में क्या होता है कि बॉडी जो होती है वो सबस्ट्रेटम से अटैच होती है और इसमें एक बहुत छोटा सा हाइड्रा बनना स्टार्ट होता है। ये हाइड्रा बड़ा होता है, और मैच्योरिटी पे ये हाइड्रा डिवाइड होके दो हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात हुई एक्सोजीनस बडिंग की। अब हम समझते हैं एंडोजीनस। एंडोजीनस स्पॉन्जिला में देखा जाता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला कहां पाया जाता है, फ्रेश वाटर में। स्पॉन्जिला में क्या होता है, एंडोजीनस बडिंग होती है, यानी ये है स्पॉन्जिला की बॉडी और इस बॉडी के अंदर बड़ बनते हैं। तो बड जो बन रहा है वो बॉडी के अंदर बन रहा है, इसीलिए इसको हम एंडोजीनस कहते हैं। एक बड को हम इसके जिम्यूल कहते हैं। इसका नाम क्या है, जिम्यूल। जिम्यूल का स्ट्रक्चर समझते हैं, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है जो पूरा जेलेटिनियस कवरिंग का है, उसके अंदर ढेर सारी सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल को नाम दिया गया है आर्कियोसाइट्स। ये पूरी जेलेटिनियस कवरिंग है, इसके अंदर स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। स्पिक्यूल्स ऊपर से एक ओपनिंग बनती है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। ये पूरा एक जिम्यूल है, ये पूरा एक जिम्यूल का स्ट्रक्चर है। जिम्यूल ऐसे निकलता है, इसमें से निकलते हैं ऑर्गेनिज्म और मिलके वो पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकते हैं। तो ये बातें हुई हैं इसके बारे में एसेक्सुअल के बडिंग के बाद। बडिंग में मैंने बताया दो तरीके का बडिंग होता है, एक एक्सोजीनस है एक एंडोजीनस है। एक्सोजीनस में बड बॉडी के बाहर होता है, एंडोजीनस में बड बॉडी के अंदर होता है। एक्सोजीनस का एग्जाम्पल ईस्ट है और हाइड्रा है। एंडोजीनस में हम लोग जो एग्जाम्पल पढ़ेंगे स्पॉन्जिला है। थैंक यू।